दोस्तों जियो ने अपनी फ्री सर्विसेज 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दी हैं और ये कोई नई न्यूज नहीं है। ये खबर मैं आपको 27 अक्टूबर को योर टेक्निकल फ्रंट चैनल में अपलोड किए गए एक वीडियो में दे चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रंट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अत्रि दीक्षित। दोस्तों जियो के अनुसार भारत में जियो की लॉन्चिंग के बाद से लेकर अभी तक लगभग 5 करोड़ लोग जियो के फ्री ऑफर का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें जियो ने अपनी रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट में बताया है कि लगभग 6 लाख कस्टमर पर डे के हिसाब से उसके कस्टमर बढ़ रहे हैं जो उसकी फ्री सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों अभी हम जो प्लान जियो का यूज कर रहे थे वो था वेलकम ऑफर। वेलकम ऑफर के तहत हम जियो की फ्री सर्विसेज का फायदा उठा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं या आपको पता होगा कि ट्राई का ये नियम है कि कोई भी ऑफर आप फ्री ऑफर 90 दिन से ज्यादा नहीं चला सकते। इस लिहाज से इसको देखते हुए जियो ने अपना एक नया ऑफर लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है हैप्पी न्यू ईयर, जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, जो 4 दिसंबर 2016 के बाद से लागू होगा। इसमें कुछ चीजें तो सेम है और कुछ चीजें बहुत ही माइनर से अंतर किया गया है वेलकम ऑफर और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वॉइस कॉलिंग फ्री रहेगी, डाटा सर्विसेज फ्री रहेंगी, नेशनल एसएमएस फ्री रहेंगे। वो सारी सर्विसेज जैसी हम लोग वेलकम ऑफर में इस्तेमाल करते थे, वो सारी सर्विसेज हमें हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में मिलेंगी। बस केवल अंतर कितना आएगा कि जो डाटा लिमिट हमें पर डे 4 GB की मिलती थी, वो डाटा लिमिट अब हमें ओनली 1 GB की मिलेगी। यानी कि एक कस्टमर एक दिन में 1 GB डाटा यूज कर पाएगा 4G। उसके बाद अगर आप अनलिमिटेड डाटा आपको मिलेगा जैसा कि पहले प्लानों में था, और आपको लेकिन उसकी स्पीड जो है वो 128 KBPS के हिसाब से मिलेगी। दोस्तों यहां पर ये भी बताना चाहूंगा आपको कि जियो ने अपने जो 100 मिलियन का टारगेट रखा था उस टारगेट को पूरा करने के लिए जियो बराबर से प्रयासरत है, और उसने केवल 83 दिनों में केवल 83 डेज में अपने 5 करोड़ सब्सक्राइबर यानी कि 50 मिलियन कस्टमर बना लिए हैं। अब जैसा कि अभी हम सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा था कि जियो के जो कस्टमर हैं वो उसकी सर्विसेज से उतना सेटिस्फाई नहीं है। इसी को देखते हुए जियो अपने इस ऑफर को एक्सटेंड किया है नाम बदलकर। तो इसमें जो चीज है नई है वो ये है कि जो पुराने कस्टमर हैं जो वेलकम ऑफर के तहत जियो यूज कर रहे हैं जो लोग, उनका 31 दिसंबर 2016 तक एज इट इज जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसा ही चलेगा। 1 जनवरी 2017 से वो लोग अपने आप ही जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर जो लोग 4 दिसंबर 2016 के बाद सिम परचेज करेंगे वो स्टार्टिंग से ही जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में रहेंगे। यानी कि आप अगर 4 दिसंबर के बाद सिम खरीदते हैं जियो की, तो आप जियो के हैप्पी न्यू ईयर कस्टमर होंगे और आपको हैप्पी न्यू ईयर ऑफर मिलेगा जिसमें आपको डेली लिमिट 1 GB की मिलेगी और वो आपका 31 मार्च 2017 तक वैलिड रहेगा। इसी तरह पुराने जो जियो वेलकम ऑफर के कस्टमर हैं वो 31 दिसंबर तक, जैसा मैंने बताया कि जियो वेलकम ऑफर में ही रहेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2017 से वो ऑटोमेटिक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनकी भी सर्विसेज 31 मार्च 2017 तक चलेगी। यानी कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही वेलकम ऑफर वालों को ना ही हैप्पी न्यू ईयर ऑफर वालों को, कि हम क्या प्लान यूज कर रहे थे, अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी कौन सी सर्विस नहीं मिलेगी। अब आपको जो आपकी जो डेली लिमिट हो गई है वो 1 GB पर कस्टमर हो गई है, यानी कि आप 24 घंटे में 1 GB डेटा ही डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो जियो के ने अपना रिलायंस जियो ने अभी पिछले दिनों का अपने एनालिसिस रिपोर्ट निकाली है, उसमें उसने ये पाया है कि उसके 80% से ज्यादा कस्टमर, यानी कि ऐसे लोग 80% से ज्यादा है जो 1 GB या उससे कम डाटा इस्तेमाल करते हैं। केवल 20% कस्टमर ऐसे थे जो 1 से ऊपर और 4 GB के अंदर डाटा इस्तेमाल करते थे। किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए उसने 4 GB वाला स्लैब हटाकर अब 1 GB वाला स्लैब रख दिया। लगभग 80% लोग जो उन 4 GB वालों के चक्कर में अपना डाटा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे या अच्छी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, वो भी अब अच्छे से सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप इस तरह की न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपकी भाषा में यानी हिंदी भाषा में इस तरीके के समाचार मिल सकें और
टेक्नोलॉजी की टिप्स एंड ट्रिक मिल सके, कुछ कंप्यूटर या आपके एंड्रॉयड मोबाइल के ट्यूटोरियल्स मिल सके, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छी और ऑथेंटिक यानी कि एकदम सही जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि आप तुरंत तुरंत अपडेट हो सके नई जानकारी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल या सुझाव हम मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके सुझावों के अनुसार अगली वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।